नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के बहुत ही स्वादिष्ट समोसे। तो देखिए, यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और यहाँ पर अजवाइन लिए, उसको हाथों से क्रश करके डाल दूँ इस तरह से। और यहाँ पर डाल दिया मोयन के लिए तेल। देखिए, इसको अच्छे से मोयन कर लेंगे आटे को। देखिए, इस तरह से ये बनने लगा है, तो ये मोयन हो चुका है। तो इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल देंगे। इसको अच्छा सा डो लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। देखिए, डो लग के साइड में रख दिया है। तो यहाँ पर उबले आलू लिए हैं और यहाँ पर मसाले लिए, खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, लौंग और यहाँ पर जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पर प्याज डाल दिया, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। यहाँ पर हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया यहाँ पर। और हींग भी डाल दी, हींग से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। धनिया डाल दिया है हरा। तो इस तरह से आलू को अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पका लिया, मसाला भी तैयार हो चुका है, थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे। तो आटे को यहाँ पर फिर से देख लिया है इस तरह से, और इसके अच्छी सी लोइयाँ तोड़कर इस तरह से हम उनको पेड़े बना लेंगे, इस तरह से बेल लेंगे। फट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अच्छे से टिफिन की हेल्प से काट लिया है और इस तरह से बढ़िया से अपने समोसे बना लेंगे। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं कि मैदा खाना भूल जाएंगे, इस तरह से ये बनते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनको बना के तैयार कर लूँ। आप लोग कोई बता नहीं सकता कि मैदे के हैं या आटे के, इतना टेस्ट इनमें बढ़िया आता है। तो ये हेल्दी भी हैं और स्वाद से भरपूर। तो देखिए, इस तरह से आप लोग भी बनाइए। और देखिए, सारे सारे बना के मैं तैयार कर ली। यहाँ पर रखा है कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए, हल्का गुनगुना हो चुका है, बिल्कुल हल्का चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हल्का बबल्स आने लगे हैं। अब अच्छे से बबल्स आने लगे तो हम पलट देंगे एक एक करके चम्मच की हेल्प से। इनको पलट दिए हैं तो यहाँ पे एक क्रिस्पी हो चुके हैं और सिक चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इनको सर्व किया है मैंने हरी चटनी, सॉस और रायते के साथ। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी हमारे समोसे बनके है रेडी। थैंक यू।